ये देखो इसको बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा था, हमने कटोरी में गरम करके दिया, पी नहीं पा रही है। मैम से शादी कराएगा? हाँ। कब कराएगा बता, सही बता, कब कराएगा, कब कराएगा? कल। ये यहाँ पे एक बड़ा दाना है यार। तो फिर से आपका स्वागत है प्रीति जी ठाकुर ब्लॉग में। सबसे पहले बड़ों को बनना छोटे को ढेर सारा आशीर्वाद। तो फिर दोस्तों मैं जा रही हूँ, सबसे पहले सुबह उठ के छोटे से बिल्ली के लिए दूध गर्म करके ले रही हूँ। तो उठ चले गए वहाँ, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और सुबह सुबह एक बड़ी बिल्ली आई थी, उसकी मम्मी थी, पता नहीं कौन थी, तो उसको दिखाने के लिए ले गए थे। उससे पहले वो भागी, तो इसलिए उसको दूध पिला रहे हैं। अगर उसकी मम्मी आएगी तो तब उसे हम लोग दे देंगे, या देखते हैं क्या होता है उसको। तो ये देखिए सुबह सुबह नजारा धारचूला का। इस पेटी में रखा था, क्या कर रहा है, रो रहा है? लो दूध पिलाओ। गर्म तो नहीं है, इतनी छोटी है, इसके बाद ले ले। ऐसे नहीं, ऐसे तेरा कटोरा निपल होता तो निपल रहा। मुझे आ गई चाइनीज चाइनीज, गिरा दिया गिरा दिया। कोई बात नहीं, छुट्टी इधर आने। फिर दोस्तों छोटे बिल्ली को थोड़ा सा दूध पिला दिया गर्म करके, लेकिन ठीक से नहीं पी पा रही थी, क्योंकि उसने उससे पहले कभी नहीं पिया होगा। तो लोग तो अपनी माँ का दूध पी रहे होंगे। तो फिर दोस्तों अभी तो पिला दिया, अब थोड़ा नाश्ता वास्ता बना लेती हूँ, थोड़ा काम भी अंदर का, फिर देखूंगी। इसको मैंने सुला रखा पेटी में, ये भी देखने जा रहा है। उठ गया, ये देखो इसके अंदर है। सो जा सिरू। इसको मैंने कपड़े उड़ा रखे थे कल यहाँ पे टॉवल, क्योंकि उसको ठंडा हो रहा था ना। ये देखो इसको बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा था, हमने सोचा क्या करें क्या करें, इसके अंदर घुसी। तो ये देखो इसका नाम मैंने खुचकी रख दिया थोड़ी देर के लिए। अगर इसकी मम्मी आएगी तो इसकी मम्मी के हवाले करेंगे, वरना तो पता नहीं पड़ोस में कोई लिंगे बोलने से उनको दे देंगे। क्योंकि दोस्तों हम तो नहीं रख सकते ना फिलहाल, क्योंकि हम लोग एक जगह रह नहीं पाते हैं। तो फिर उसके बाद क्योंकि गाय बछड़ी भी घुस नहीं पाला है, और ये इतनी छोटी है कि इसको, ये ना इतनी छोटी है, इसको हम लोग दूध भी नहीं पिला सकते ना, इसलिए निप्पल कहाँ से लाऊं मैं। कटोरी में गर्म करके दिया, पी नहीं पा रही है, सिखा के भी नहीं पी पा रही है। अब हमारी क्या गलती है बता? हाँ हाँ पूछ को मार, तो हाथे मार, हाथे मार 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 मार। अच्छा बाहर आ, बाहर आ जा। ये देखो सी बहुत अच्छी, मेरे को तो पूरा पावर है अगर किसी आत्या ना। चलो तो फिर दोस्तों अभी हम लोग बैठे हुए हैं, कस्तू आई है, और मैं बार बार भूल जाती हूँ, मंकू मंकू यहाँ पे लेटा पड़ा है। और ये देखो हंस क्या क्या लेके आए, क्या क्या खाया अभी तक, क्या क्या खाया? बेंटन थोड़ा सा छोटा सा ककड़ी है, और छोटा सा नमक है, छोटा छोटा खा रहे हैं हम लोग। और ये बहुत शर्माता है, और मेरी शादी शादी होने के बाद भी एक मैम से शादी करवाना जा रहे हैं। अरे कराएगा शादी मेरी? हाँ। कब कराएगा? कल कराएगा। मैम कैसी है? सुंदर। मैम कैसी है, मोटी है पतली है? बता अर्सु कैसी है? अर्सु पतली पतली है। पक्का शादी करा देगा मेरी? हाँ। चाची का क्या होगा फिर? आप बाजार जाओगे? आप बाजार जाओगे? बाजार किसके वहाँ जाऊंगी? मेरे लिए भी टीचर ढूंढ देना यार। हर्ष मेरे लिए भी टीचर ढूंढ देना यार, चाचा की दूसरी शादी होगी तो मेरे को कौन भागेगा? कौन सी वाली मैम से शादी करवाएगा? अंजना मैम से। क्यों यार, जब भी देखो अंजना मैम, अंजना मैम क्या है, अंजना मैम कौन है? लंबूसी तो मैम है। क्या बोल रहा है? पुलिस से उठवा दूंगा। पुलिस से उठवा देगा?
क्यों, क्या गलती की है? तो फिर दोस्तों अभी हम लोग ऊपर दादा लोगों के वहाँ आए हैं और अर्जुन ने जमीन में से उड़ा के खा लिया। क्या खीरा गिरा? ये देखो यहाँ चिकन और चावल बन रखा है, तो यही इनवाइट था दादा लोग के वहाँ। तो आज हम लोग अभी खाने के लिए यहीं आए और मंकू और दक्ष भी यहाँ पे, और दक्ष बहुत भागता है, कैमरा में आते ही नहीं है। वो देखो सियर के नीचे छिप रखा है, ये देखिए। तो सर्विसिंग कर रही है अभी, अभी करते हैं। और ये देखिए यहाँ से धारचूला का नज़ारा। सुबह मौसम काफ़ी ख़राब था और अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए वो तो नेपाल पूरा दिख रहा होगा आपको, नदी पार, और ये है इंडिया। और ये हर्ष को दिखाओगे, हर्ष तो बाहर जा रहा है। दोस्तों हम लोग खाना खाने लगे और ये देखिए, ये हर्ष ये किसकी थाली है? मेरी। आपकी नहीं है, ये मंकू दादा की है। कसूर ये देख, हर्ष बात चढ़ गए, ये गुन्नू का थाली आ गया। ये देखो फिर मंकू दादा की थाली लेके जा रहा है। इतना कहाँ खा पाओगे यार अर्चू, खा लोगे? ओल के खाऊंगा। ओल के तो खाओगे ना, लेकिन खा लोगे? हाँ। खाली बर्बाद कर दोगे तो? नहीं करूंगा। बर्बाद करोगे यार, फिर मंकू दादा नहीं खाएगा। कैसा बना रखा है पापा ने? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ। अच्छा, मंकू दादा का थाली ले दिया मंकू। मोंकी ने ले दिया। तो फिर दोस्तों हमने खाना पीना खा लिया है, उसके बाद हर्षु कसू और दीदी हम लोग जा रहे हैं अमरूद तोड़ने के लिए। देखते हैं बच्चों ने या बंदरों ने कितना अमरूद रखा है। मंकू भी पीछे से पहुंच चुका है, तो चलो चलो हर्ष। हाँ चल गया। ये देखो हर्ष कैसे करके चल रहे घुटने में आते थे। ये देखो वो देखो तो दीदी की टॉप में चढ़ लगी है पेड़ में। ये यहाँ पे एक बड़ा दाना है यार। सेम बंदर जैसा लग रहे हो पेड़ों में तो। यहाँ पे दक्षिण ने कितने इकट्ठे करके रखे, अभी तोड़े वाले हैं ये। दो हाथ में दिख रहे हैं। पेड़ में बंदरों से बचाना पड़ता है तब जाके खाते हैं। हाँ यार, ये देखिए थोड़ा तोड़ दो यार एक दो दाना। ठीक है ठीक है। ये दीदी कल उठू जाएंगे देहरादून, तो दीदी भी चढ़ रखी यहाँ पे दो चार दाने सासू के लिए भेजने आते हैं। मतलब मेन चीज ये होता है कि अब ब्लॉग तो हम बना लेते हैं, लेकिन नेट के दिक्कत से तो मतलब दो चार दिन आगे पीछे हो जाता है वीडियो, थोड़ा लेट पड़ता है। तो भी दोस्तों वीडियो तो थोड़ा बहुत बनाते रहेंगे, पता नहीं कब तक डालेंगे। तो फिर दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं आप एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने आप सभी का धन्यवाद।